मेल आया बड़े दिनों के बाद मेल ओए ये तो विंग्स अनलिमिटेड वालों का मेल है यार। पार्टी का इनविटेशन, इसमें तो बड़े बड़े फिल्मी लोग आने वाले हैं। नहीं यार, गौरी को भी आया होगा, अभी पूछता हूँ। गौरी जी उठाइए, जी उठाइए। हाँ शिफ, बोलो। ओए, तुझे ईमेल आया? कौन सा ईमेल? भाई जो मुझे आया। शिफ, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा ईमेल आया? अरे आई मीन जो मुझे आया है तो मुझे लगा तुझे भी। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि तुम कौन से ईमेल की बात कर रहे हो तो मुझे। ओके ओके ओके, गलती हो गई, मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ लिया था। क्या? आई मीन मैंने खुद को ज्यादा स्मार्ट, मैं हमेशा से ही समझता हूँ ना खुद को ज्यादा स्मार्ट। ईमेल पढ़ा? अब मैं पढ़ के बताता हूँ। विंग्स अनलिमिटेड वालों का ईमेल आया है, पार्टी के लिए इनवाइट किया है जिसमें बड़े बड़े फिल्मी लोग भी आने वाले हैं। क्या? अबे क्या 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 लगा के रखा है यार, कान में प्रॉब्लम है सुनने में तो मशीन लगा ना सुनने वाली। नहीं, मेरा मतलब है कि पार्टी में मैं कभी ऐसी पार्टीज में नहीं गई हूँ। अच्छा, मैं तो जाता ही रहता है डेली डेली, है ना, वेटर की नौकरी जो की हुई है मैंने। मैं भी एक आध बार ही गया हूँ यार ऐसी पार्टी में। तुम्हें पता तो है ना कि ऐसी पार्टीज में करते क्या है, क्या पहनते, कैसे कैसे सब। कम ऑन यार गौरी, वो लोग भी इंसान हैं, उनके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, दो आंखें। हाँ, ऐसे हाई क्लास लोगों की एक नाक होती है जो बहुत बड़ी होती है, और मुझे ना उसी नाक से डर लगता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे। गौरी टेंशन क्यों ले रही है यार, मैं हूँ ना। वही तो टेंशन है। क्या क्या बोली तू? वही तो टेंशन है कि तुम वहाँ आओ। तू यहाँ मैं वहाँ। प्लीज शिव। अरे सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। देख तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे प्रिपेयर कर दूंगा पार्टी से पहले। अच्छा सुन, अभी ना 5 दिन है, तब तक सब सेट हो जाएगा, समझी। टेंशन मत ले, फोन रख, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। बाय। विंग्स अनलिमिटेड। अच्छा लिसन, हम वो डरावनी मूवी देखने जा सकते हैं? मैंने उसका रिव्यू पढ़ा, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत डरावनी मूवी है। कौन सी? वो भूत आया भागो। पता है सन, मुझे ना हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। अगर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो मैं थोड़ी तुम्हें डर लगने दूंगा। हाँ, और अगर मुझे डर लगेगा भी ना तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। हाँ, जो तुम्हारी मर्जी हो, और मैं तुम्हें डर न लगने के लिए जो कर पाऊंगा ना मैं करूंगा। हाँ वैसे इतने सारे लोग होंगे तो मुझे डर थोड़ी ना लगेगा। और अगर मुझे एकदम से डर लग भी गया, भूत आ गया, तो मैं ना जोर से चीख दूंगी, ठीक है? गुली, तुम चिल्लाती भी हो? अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैं ना एक काम करूंगा, मैं ना कॉर्नर सीट्स बुक कर लूंगा, शाम का 7 बजे का शो है। कॉर्नर सीट्स? ओके, यू नो व्हाट, मैं सबको एम्बैरेस नहीं करना चाहती, तो मैं काम करूंगी, मैं बीच में बैठ जाऊंगी, ताकि अगर मुझे डर लगा भी ना तो मेरे दोनों तरफ कोई ना कोई होगा। कोई ना कोई मतलब? एक तरफ तुम या भाभी, और एक तरफ गौरी, और अगर गौरी को डर लगा ना तो उसकी दूसरी तरफ अभी को बिठा देंगे। हेलो सन, क्या हुआ, हो गई बुक? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि देखो ना, शिव और गौरी ना कल उन्होंने क्या किया, प्लान कैंसिल कर दिया ना, और वो तो प्रैक्टिस कर रहे ऑलरेडी, तो आई थिंक हमको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, वरना रात को उठ के ना अभी थिएटर खुलवा देगा और बोलेगा गौरी से कि कोई बात नहीं, अगर तुम मूवी नहीं देख पाई तो मैं तुम्हारे पास ही लेके आ जाऊंगा। कम ऑन अतुलिका, अभी ने इतना खुश किया गौरी को। अरे आसन, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। काश मेरे पास भी कोई होता। क्या हुआ सन, तुम्हें खांसी हो रही है? नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वो फिर शाम का शो बुक कर लूँ फिर? हाँ ठीक है, लेकिन एक बार मैं भाभी से भी पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? तुम जानती हो ना भाभी का दिल कितना वीक है, और ये डरावनी मूवी अगर भाभी देख लेगी तो। वाओ सन, तुम कितने अच्छे हो, तुम सबके बारे में कितना सोचते हो। अच्छा ठीक है, 7 बजे डन। ओके ओके, मैं तुम्हें 6 बजे पिक कर लेता हूँ। ओके, मैं एक काम करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी से नेल पेंट लगा लेती हूँ। मैं ना ब्लैक वाली लगाती हूँ। अब हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं ना, तो मेरी ड्रेस के साथ भी मैच करेगी, ठीक है? और तुम्हें डराने के काम भी आएगी। देख लो, अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। सोच लो कहीं हाथ पकड़ते पकड़ते किसी भूत का हाथ नहीं पकड़ लेना। अरे हाँ बाबा, मैं पहुंच जाऊंगा, बस निकल ही रहा हूँ।
तू बस रेडी रहना। हाँ मुझे पता है तुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, मुझे भी कोई 2 घंटे नहीं लगते। क्या नहीं मैं कोई कपड़े सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ यार, मैं कोई तुलिका थोड़ी ना हूँ, मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ। हाँ 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 मैं निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ, बाय। नहीं यार जो पहना वही बेस्ट है। अबे जब दरवाजा खुला था तो घंटी क्यों बजा रहा था? एक बार जब मैं घंटी बजाने की कमिटमेंट करता हूँ ना तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा मैं भी जब किसी को चमाट मारने की कमिटमेंट करता हूँ ना तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। वैसे कश्मीर की कली की तरह खिला खिला क्यों है तू? तुझे पता जो हॉरर मूवीज होती ना, हॉरर मूवीज रोमांस को सेट कर देती यार। अच्छा मुझे तो लगा था शाहरुख की मूवीज करती है। अरे नहीं यार शाहरुख की मूवीज ना लड़कियों को गुमराह कर देती हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस जगाती हैं कि लड़के उनके लिए एक्स्ट्रा प्यार करें, उनके लिए पागल हो जाएं, पर हॉरर मूवीज कभी नहीं, और आज से नहीं पुराने जमाने से यार। अच्छा तेरा मतलब पुराने जमाने के लोग गुफाओं में LCD पर रामसे ब्रदर्स की मूवीज देखते होंगे है ना? तुझे पता है मेरा मूड आज इतना अच्छा है ना कि तू कितने भी सड़े हुए जोक बोल मेरा मूड ऑफ नहीं होने वाला। अच्छा क्यों मेरी जान, बाबा जी का पाउडर काम कर गया क्या? अबे हटा है। तुझे पता है मैं ना आज तुल्लिका को शाम को डेट पे लेके जा रहा हूँ, रोमांटिक डेट, भूत आया भागो देखने। तुझे पता है जब कॉर्नर की सीट पे ना वो पॉपकॉर्न खाएगी और मेरा हाथ पकड़ेगी और मैं डरने की एक्टिंग करके ओए नीचे आ जा। आज का तेरा प्लान ना भूत से डरकर भागने का है। कौन भूत? काली हवेली की रानी। अरे तेरे पंगू में ना यार मैं कवारा ही मर जाऊंगा। अब बता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, एक्चुअली ना उसके अंदर मेरा वाला ना वो वाला मतलब ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जगाना पड़ेगा। जब भी वो बड़ी वाली ऐसी क्लासी पार्टीज में जाए ना तो सारे लोग बस उसे देखते रह जाएं। तेरा जैसा कॉन्फिडेंस होना तो लोग देखते ही रह जाएं। ओए बकवास बंद कर और अपने टिकट को ब्लैक करने के बारे में सोच, और उससे ज्यादा ये सोच कि गौरी के अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करना है। वाव पार्टी। हाँ क्या वाव अभिमन्यु? अरे तो क्या हुआ, मैंने कहा था ना तुमसे विंग्स अनलिमिटेड के साथ तुम्हारी ये डील तुम्हारे करियर के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगी। देखो एक हफ्ता नहीं हुआ तुम्हें ज्वाइन करके, कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट, असाइनमेंट्स, पार्टीज। हाँ और पार्टीज के साथ जुड़ी टेंशन उसका क्या, आप जानते हैं ना कि मैं कभी ऐसी हाई क्लास पार्टीज में नहीं गई। कम ऑन गौरी तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की हो, तुम्हें ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारी सारी टेंशन भगा दूंगा। ओके झूठ कहे तो कहो तुलिका ये कौन सा रंग है? भाभी ये कोरल ग्रीन है, बहुत सुंदर लग रहा है। कोरल? अच्छा वो टूथब्रश वाला उनका? आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। हाँ तुलिका अरे हम कैसे जानेंगे, हम तो हमेशा से लाल रंग ही लगाते हैं ना। झूठ कहें तो कहो हमें भी ना अब ऐसे ना काले नीले हरे रंग लेने होंगे, आखिर हमारी ननद इतनी बड़ी स्टार हो गई है, इसके साथ हम अंदर बाहर जाएंगे तो हमें भी तो सुंदर लगना होगा ना। गौरी आजा तुझे भी नहीं ये सुंदर सुंदर रंग लगा देते हैं? नहीं नहीं भाभी मुझे ऐसे रंगों से डर लगता है, अब मेरे नेल्स ऐसे ही अच्छे, और वैसे भी मुझे बाहर जाना है। गौरी जब से तुम ये सुपरस्टार बन गई ना तब से तुम 24 घंटे में से 25 घंटे घर पे ही नहीं रहती। गौरी मेरे हाथ में ना ये नीपा पोती हुई है, तू जाके दरवाजा खोल देना। जाती हूँ। अबे दूर हटना यार, नहाने से परफ्यूम लगाया। हाय गौरी। हाय गौरी। हाय। अच्छा सर कुछ पता चला उस इवेंट के बारे में? हाँ वो अपने एजेंट से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक 5-course meal है जिसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आएंगी, एक राउंड टेबल पे बैठ के साथ में खाना खाएंगे सारे के सारे और बातें करेंगे। शिव हम भी खाना खाने जाएंगे, बस बता दो कितने बजे जाना है। भाभी
हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे डिनर के लिए, हम लोग इनवाइटेड हैं एक चैरिटी दान पुण्य वाले डिनर पे। और भाभी वहाँ पे फिल्म और इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आएंगे, और वो भी और क्या बोलो ना। एंड यू नो ना यार, सब लोग कैसे दिखावा करते हैं टाइप्स की, मैं छोटी चम्मच से आइसक्रीम खाऊंगी या बड़े फोक से सैलेड खाऊंगी या चॉपस्टिक से नूडल्स। हाँ, फाइव स्टार में जाओ तो तुम्हारी प्लेट्स के आगे सात आठ चम्मच तो ऐसे ही लगा देते। हाँ, पर अब किस्सा ये है कि हमें भी उन लोगों की तरह दिखावा। हाँ, लेकिन मुझे मैं मुझे लग रहा है कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए। अरे तू पागल है क्या गौरी, हम लोग स्पेशली इनवाइटेड हैं यार, और आज नहीं तो कल तुझे इन सब लोगों के बीच बैठना ही पड़ेगा ना, जाना ही पड़ेगा। हाँ, अब तुलिका आज ना हम शॉपिंग पर चलेंगे। अरे जब बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है तो हमारे पास भी अच्छे कपड़े होने चाहिए ना। लेकिन भाभी आज तो मैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे ना डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर, क्या हुआ तुझे? तुझे बुखार हुआ, सर्दी हुई, क्या हो गया मेरी बच्ची? नहीं 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 भाभी, मैं ठीक हूँ। हमारी प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। प्लीज यार गौरी, तुझे चलना ही होगा। हाँ गौरी, शिव सही तो कह रहा है, अगर तू ना बड़े लोगों के साथ उठेगी बैठेगी नहीं तो तुझे काम कैसे मिलेगा, और तुझे काम नहीं मिलेंगे तो पैसे कैसे मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर मुंबई में मेरे घर बनाने का सपना। आपका सपना? नहीं गौरी, हमारे कहने का मतलब था कि हम दोनों का घर, हम लोग एक ही परिवार से तो है, और परिवार एक दूसरे की भलाई ही तो चाहता है। हाय। हेलो अभिमन्यु, तुम यहाँ? हाँ, वो क्या ना गौरी किसी इवेंट को लेकर टेंशन में थी तो मैं आ गया उसकी हेल्प करने। थैंक यू सो मच अभिमन्यु कि आप यहाँ आए, हम सब ना बहुत ज्यादा परेशान थे। टेंशन क्यों लेती हो गौरी, मैं हूँ ना, बहुत जल्दी सीख जाओगी तुम। हाँ, जब टेंशन ही साथ है तो और टेंशन की क्या जरूरत है। एक्चुअली वो क्या है ना शिव, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही टेंशन टेंशन को काटती है, इसीलिए थोड़ी सी और टेंशन। क्या बातें कर रहे हो, चलिए ना अंदर प्रैक्टिस शुरू करें। हाँ चलते हैं ना, मैं चॉपस्टिक्स भी लाया हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगा, एक्चुअली वो खाने पीने की चीजें यहाँ पर नहीं होगी ना। झूठ कहें तो कहो अभी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। अरे हमारे घर में तो खाने पीने का ना सब सामान है। भाभी छुरी काटे से आपके हाथ की पराठे नहीं खाए जा सकते, उसके लिए कॉन्टिनेंटल फूड होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल क्या? ओफो तुलिका, तुम भी ना। भाभी तुलिका का मतलब है नूडल्स, पास्ता, ऐसी चीजें। पास्ता? हाँ तो ठीक है ना, कैफे चलते हैं, वहाँ सब आ जाएगा। राइट, चले लेट्स गो। चल बाय भाभी। बाय भाभी। बाय। अरे हमें तो कोई लेके ही नहीं गया और बाय भी कह दिया। हमने तो तुलिका से, उससे ना हम बात करेंगे, अरे इतना सुंदर रंग लगा के भी नहीं लेके गई। हाँ तो इससे पहले कि खाना आ जाए और फिर से ठंडा हो जाए, हम गौरी को खाना सिखाते हैं। मुझे खाना खाना आता है, बस इस कांटे ये इस छुरी से खाना खाना नहीं आता। हाँ मेरी माँ, तुझे सब कुछ आता है, बस हम लोग बेवकूफ हैं। क्यों? हम नहीं, सिर्फ तुम बेवकूफ हो। देखो अगर पिज्जा आ गया ना तो तब तक कोई नहीं खाएगा जब तक गौरी सीख नहीं जाती, तो तुम लोग डिसाइड कर लो किस किसको ठंडा खाना है। अब प्रैक्टिस करें। हाँ, ओके। अब एक चीज भूल गए। अब क्या हुआ? वो नैपकिन। तुझे यहाँ पे कहीं पे भी नैपकिन दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो ठीक है ना, तुम अपनी पॉकेट से निकाल के अपना हैंडकरचीफ दे दो ना उसे। ओके फाइन। गौरी ये लो, इसे अपने पैरों पे रख लो। और हाँ गौरी, एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि शिव ना हर दो मिनट में इसे अपनी नाक पोंछता है। जी। प्रैक्टिस करनी है ना? हाँ। तो रख ले। और बाय द वे वो नाक पहुंचने वाला नहीं है ये रुमाल, ये दूसरा रुमाल, इससे मैं सिर्फ अपना फेस पहुंचता हूं, समझा? ओके ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा अर्जेंट फोन कॉल था। इट्स ओके अभिमन्यु, काम पहले। हाँ तो गुरुजी अपने ज्ञान से अब हम सबको धन्य कीजिए। वेल अब कमान तुमने अपने हाथ में ले ही लिए तो तुम ही सिखाओ, क्या फर्क पड़ता है कौन सिखा रहा है।
सीखने से मतलब है? नहीं नहीं अभी फर्क पड़ता है, गौरी को सही चीजें सीखनी चाहिए और वो ही सिखाए जिसको आती है। एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, उनकी एजुकेशन लंदन से हुई थी। उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब वो छोटे छोटे बच्चों को देखते थे छुरी और कांटे से खाते हुए, तो उन्होंने मुझे सिखाया। वो हमेशा कहते थे मैन शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग बट एक्ट जेंटल लाइक अ जेंटलमैन। हाँ हाँ अभिमन्यु, हम सब तो अपने आप ही सीखे हैं, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ी, आई मीन तुमने ट्रेनिंग ली है तो तुम ही सिखा दो। ओके लेट्स स्टार्ट। वैसे खाना कहाँ है, कैसे सिखाएं? नहीं वो मैंने सोचा खाना खाने से पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। शेफ तुम किसी क्रिकेटर को बिना बैट के क्रिकेट सिखा सकते हो? नहीं ना, तो बिना खाने के खाना खाना कैसे सिखाएं? अभिमन्यु जब तक खाना नहीं आ जाता बैठ जाइए। नहीं नहीं बैठना कुछ नहीं, एक सेकंड तुम खड़ी हो जाओ। क्यों क्या हुआ? अरे आओ तो, टेबल मैनर्स का एक और पार्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए। किसी के साथ कहीं जाओ तो ये देखो कि तुम्हारा होस्ट तुम्हारे लिए चेयर खींचता है या नहीं, और वेट करो कि वो तुम्हारे लिए चेयर खींचे। और अगर वो चेयर ना खींचे तो अपना हाथ जगन्नाथ, चेयर खींचने में कितनी ताकत लगती है, खुद नहीं खींच सकती। तुम ना यहाँ आराम से बैठो और वेट करो कि तुम्हारे लिए चेयर। हर चीज में नेता ही बनना है इसको, हर चीज में फर्स्ट आना है। By the way, जब तक लेडी ठीक से बैठ ना जाए तब तक लड़का खड़ा रहे। सीखो कुछ, चेयर खींचना तो दूर की बात, तुम लोग तो जगह तक नहीं देते हो बैठने के लिए। ये मेरी जान, खुद पे है तो मजा आया। ओके सो गौरी, सबसे पहले तुम ये नैपकिन अपनी गोद में रख। अगर खाने से पहले इसको गोद में रखेंगे ना तो लोगों को लगेगा हम लोग बुखड़ हैं, सिर्फ खाने आए। कौन शेफ, ट्रस्ट मी टेबल मैनर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप नैपकिन अपनी गोद में रख लें। अरे पर बुखड़ मैनर्स शेफ, तुम्हें देख के हर किसी को पता चलेगा कि तुम सिर्फ खाने आए हो। प्लीज यार इस छोटी सी बात के ऊपर डिबेट मत करो अब। अच्छा और जब गौरी जाएगी तो वो ही करना जो तुम्हारे साथ वाला करेगा। वो अगर प्लेट रखेगा तो तुम भी नीचे रखना, और एग्जाम में भी तो वही करता था ना, जो मैप यूज करता था तुम भी मैप यूज करने लगते थे। चलो ये सब छोड़ो, अब 5 course meal के बारे में समझ लो। सबसे पहले एपेटाइजर्स आते हैं। एक सेकंड देखो 5 course meal का मतलब होता है 5 बार खाना आना, ताकि बाकी का खाना ठंडा ना हो जाए, है ना? हाँ तो गुरु जी अब आगे बताइए गौरी को। एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है कि हमें सिर्फ आधी नॉलेज होती है। देखो 5 मिनट लगेंगे समझने में कि खाना आने दो। अभिमन्यु मैं कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी शेफ, यू ट्रस्ट मी। देखो ये बहुत ही फॉर्मल सा डिनर होगा। सही तो मैं कह रहा हूँ गुरुजी, जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी है दे दो। किस हाथ से खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे फॉक उठाना चाहिए, किस हाथ से उठाना चाहिए, कैसे स्टिक से खाना चाहिए, तो गुरुजी जितनी नॉलेज की जरूरत होती है ना उतनी दे दो गौरी को। शेफ बस बहुत हो गया, मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझसे रिलेटेड हर बात पर तुम दोनों लड़ने लग जाओ। गौरी मैं थक चुकी हूँ। यार तुम लोग हमेशा एक दूसरे की बैंड क्यों बजाते हो यार? यार एक बार भी नहीं सोचते कि गौरी कैसा फील कर रही होगी। नहीं रुको, अब नहीं तो तुम दोनों को ही वो नाइफ और फोक से खा लेगी, मैं देखती हूँ। हमसे रूठी है, हमको ही मनाना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ जा 10 मिनट में पहुंच जाएगा, उसको कहना सब कुछ रेडी रखेगा। क्या रेडी रखे? ओके चलो गाइस, ओके गाइस उतरो सब लोग। अरे ये हो क्या रहा है, हम लोग कहाँ हैं? तुझे ताजमहल दिखाने लाए। गौरी उतर प्लीज।
फर्स्ट कोर्स पानीपुरी मिर्जापुरी स्टाइल, नौश फरमाएंगे मैडम। वाओ पानीपुरी। हाँ ये तो सिर्फ स्टार्टर है, एपेटाइजर है, जिसे सबसे राइट साइड में रखी हुई चम्मच से खाते। आप बस ये बताइए कि आप मीठा खाएंगी या तीखा, और जल्दी जल्दी खाओ बाकी के कोर्सेस ठंडे हो रहे हैं। और हाँ, डेजर्ट में मुंह जलाने के बाद मुंह को ठंडा करने के लिए पेश है मिर्जापुरी कुल्फी। अबे जल्दी खा, पकल जा यार। कौरी उतरना, अब क्या मुझे गाना गाना पड़ेगा? ओके। अरे बाप रे, बड़ी मिर्ची यार, अरे कैसे खाते हो तुम लोग ये? आप ना हमारे साथ पानी पूरी खाने का कंपटीशन करना, तब आपको पता चलेगा कि कौन जीतता है ना तलिका? यस। तो अभी हो जाए? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, सिर्फ पानी पूरी से पेट नहीं भरना है, बहुत कुछ खाना है अभी। तो गौरी तुझे छुरी या कांटे से खाना आए या ना आए, तू अपना काम जानती है, तू उसमें नंबर वन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे आए या ना आए। शिव सही कह रहे गौरी, टेबल मैनर्स, सोफिस्टिकेशन, ये सब तो टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ आई जाती। गौरी सॉरी यार, तुझे सिखाने के चक्कर में ना हम लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, तेरी फीलिंग्स ध्यान में नहीं रही। एक्चुअली आई एम सॉरी, तुम दोनों तो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन मैं ही कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गई। एक काम करते हैं, ये 3 कोर्स मील खत्म करके ना हम लोग फिर से टेबल मैनर वाली क्लास में चलते हैं, और इस बार तुम दोनों जो भी एडवाइस दोगे ना मैं पक्का वो फॉलो करूंगी, क्योंकि मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मुंबई की हाई सोसाइटी वालों के सामने मैं भी किसी से कम नहीं। Yes, तो इसी बात पे हो जाए एक एक पानी पूरी। Let's go for it!